हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस DIY में मैं आपसे शेयर करूंगी कैसे आप अपने ओल्ड लेगिंग के हेल्प से एक ब्यूटीफुल सा डबल लेयर रफल स्लीव ड्रेस क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस, वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलना, ताकि आपको मेरी आगे की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं अपना बेल्ट एरिया कट करके रिमूव कर लूँगी और जो क्रॉस एरिया है लेगिंग्स का उसे भी कट करके रिमूव कर लूँगी। तो यह मैंने ऑल ओवर दी कट कर दिया है। अब मैं इसे फ्लिप करूँगी वन अबव दी अदर और इसे फिर फोल्ड कर दूँगी। अब आपको मेजर करना है आपको कितना लंबा टॉप चाहिए, तो मैं टॉप से मेजर कर रही हूँ। तो यह मुझे 30 इंच का टॉप चाहिए, तो मैं 30 इंच पर मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब आप इस पर कोई भी अपनी कुर्ती रखते हुए मेजरमेंट लीजिए, फोल्ड करके मेजरमेंट लीजिए। जो फोल्डेड साइड है उसे फोल्डेड साइड रखते हुए मेजरमेंट लीजिए। 1 इंच छोड़ के मैं मेजरमेंट ले रही हूँ यहाँ पे सीम अलोंग्स के लिए। अब मैं अपना नेक मेजर करूँगी, तो यहाँ मुझे 3 इंच लेंथ वाइज एंड 3 इंच ब्रेथ वाइज चाहिए। तो दोनों ही पॉइंट को मार्क करते हुए एक कर्व लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब ये मैं सारी मार्किंग एरिया को एक सीज़र के हेल्प से कट कर लूँगी। तो यहाँ मैंने कट कर लिया है। अब हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद नेक शोल्डर अटैच कर लेंगे, उसके बाद हम नेक भी हेम कर लेंगे और बॉटम भी हम हेम कर लेंगे। तो यह हमने हेम कर लिया है। अब हमें स्लीव कट करना है, तो बॉटम के बचे हुए कपड़े से हम स्लीव क्रिएट करेंगे। तो यह मेरे पास 2 पीस ऑफ कपड़ा बचा हुआ है, इससे मैं स्लीव क्रिएट कर रही हूँ। सबसे पहले हम इसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम कॉर्नर एज से मार्क करेंगे। वन इंच सबसे पहले मार्क करके कर्व लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब कॉर्नर एज से अगेन मैं मार्किंग ले रही हूँ। मैं यहाँ 3.5 इंच पे मार्किंग ले रही हूँ और एक कर्व लाइन अगेन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें एक रफल क्रिएट उसमें से मिल चुका है। अब हम सेकेंड रफल ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ मैं 8 इंच का सेकेंड रफल ड्रॉ कर रही हूँ। तो मैं मार्क करूँ, तो जो मेरा सेकेंड रफ़ल है थोड़ा सा बड़ा है और जो फर्स्ट रफ़ल है वो थोड़ा सा छोटा है। हमने यहाँ 2 रफ़ल क्रिएट किया है। अब इस सारी मार्किंग को मैं जॉइन करते हुए कर्व लाइन ड्रॉ करूँगी और इसे कट कर दूँगी सीज़र के हेल्प से। तो यहाँ मैंने कट कर लिया है और मेरा यहाँ 2 रफ़ल रेडी हो चुका है। ये मेरा एक ही स्लीव का रफ़ल है, दोनों रफ़ल में एक ही स्लीव पे अटैच करूँगी। यहाँ मैंने दोनों ही स्लीव के लिए रफ़ल कट कर चुका है। अब हमें इसे स्लीव पे अटैच करना है। कुछ इस तरह हमें स्टिचिंग देना है। दोनों के रफ़ल को पकड़ते हुए हम सीधे साइड जो कपड़ा है हमारा सीधे साइड रखते हुए कुछ इस तरह हम ऑल ओवर दी स्टिचिंग दे देंगे। इसी तरह हम अपने दोनों ही स्लीव पर स्टिचिंग देंगे। तो यहाँ मैंने अपने दोनों ही स्लीव के रफ़ल को अटैच कर चुका है। अब हम इसे फ्लिप करेंगे। फ्लिप करने के बाद हमें साइड भी स्टिचिंग दे देना होगा और ये मेरा टॉप रेडी हो चुका है। अगर आपको आज का मेरा सिंपल सा DIY पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। Thank you for watching. Bye bye. Till the next time.